Very good morning to all of you. Today we will discuss about the genetic code. In this lecture, we will discuss about the what is genetic code. Genetic code kya hai? What is the major characteristics of the genetic code? And what is the role of the genetic code in protein synthesis? Protein synthesis mein genetic code ka kya role hai? तो आज हम इस लेक्चर में इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं कोडोन से. व्हाट इज कोडोन? कोडोन इज द बेसिक यूनिट ऑफ द जेनेटिक कोड. अब आप बात करेंगे ये जेनेटिक कोड क्या होता है. तो जेनेटिक कोड होता है एक न्यूक्लियोटाइड की वो सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन को अथवा एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को एनकोड करती है. मतलब एक बहुत सारे इस जेनेटिक कोड में नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं. लेकिन कोडोन क्या होता है? कोडोन इज द सेट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेसिस दैट एनकोड ए सिंगल एमिनो एसिड इज कॉल्ड कोडोन. कोडोन उस पर्टिकुलर जेनेटिक कोड है. जेनेटिक कोड में तो बहुत सारी सीक्वेंसेस है, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है. तो ये न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट अमीनो एसिड्स को कोड करती है. लेकिन कोडोन का मतलब है कि वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियो एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, इट इज कॉल्ड कोडोन. ओके, चलिए अब बात करते हैं कि हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स आर नेसेसरी टू स्पेसिफाई ए सिंगल अमाइनो एसिड. कि कितने न्यूक्लियोटाइड का एक चेन है या ग्रुप है वो एक एसिड को एनकोड करता है. कितना मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है या दो न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है या तीन का है या चार का न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप है जो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को एनकोड करता है. तो हम जानते हैं कि 1953 के अंदर वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया और इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि द बेस सिक्वेंस सर्व एज ए कैरियर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. की जो बेसिस न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं. लेकिन कितने न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को एनकोड करते हैं, इस चीज को पता लगने में लगभग 10 साल का समय लगा. तो अभी हम बात करते हैं कि कितने. अभी हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड आर नेसेसरी टू स्पेसिफाई ए सिंगल अमाइनो एसिड. तो अगर मैं हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है वो कितने हैं? ओनली 4, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल. यूरेसिल इसलिए मैंने मेंशन किया है क्योंकि हम जो कोडोन की बात या जेनेटिक कोड की बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं मैसेंजर आरएनए में. तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है वो है ओवरऑल 4 न्यूक्लियोटाइड. और अगर हम बात करें एक प्रोटीन मॉलिक्यूल की तो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका नंबर होता है 20. एक कोई भी प्रोटीन चेन है ह्यूमन सिस्टम के अंदर या किसी और दूसरे सिस्टम के अंदर जो हम देखेंगे कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है या एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ये लगभग ये 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है. तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली 4 है लेकिन नंबर ऑफ अमीनो एसिड की संख्या हमारे पास 20 है. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आया कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक अमीनो एसिड को कितने न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को सॉरी एक अमाइनो एसिड को एनकोड करते हैं. कि कितने न्यूक्लियोटाइड मिलकर कौन कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं या नंबर ऑफ कितने हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स एनकोड ए सिंगल अमाइनो एसिड. तो अगर मैं बात करूं कि अगर मैं मानूं कि एक न्यूक्लियोटाइड सिर्फ एक कोडोन को एक अमाइनो एसिड को कोड करता है तो इस प्रकार मेरा अगर मैं कहता हूं कि एक कोडोन सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है तो हमें भी वुड तो ओनली सिर्फ और सिर्फ 4 अमाइनो एसिड ही पॉसिबल होंगे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं? ओनली 4. तो 4 न्यूक्लियोटाइड कितने अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं अगर मैं मानूं कि एक अमाइनो एसिड को एनकोड सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड करता है. तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर 4. तो 4 न्यूक्लियोटाइड्स एनकोड ओनली 4 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड. तो दिस इज लेकिन नंबर ऑफ हमारे पास नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने हैं? 20 है. तो इसका मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड एनकोड नहीं करता है एक अमाइनो एसिड को. तो ये फेल है. ओके, अगर मैं मान लू
इट कोडोन्स आर मेड अप ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड्स ईच, कि एक कोडोन है वो दो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है. तो नंबर ऑफ, मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, चार है. तो इस तरीके से पॉसिबल जो कोडोन होंगे, जो कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएं डिफरेंट कोडोन्स, दो दो के कॉम्बिनेशन में अगर हम चार न्यूक्लियोटाइड्स को लें, तो हमारे पास पॉसिबल कोडोन्स कितने होंगे, 16 कोडोन्स होंगे. और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हमारे पास, 20 है. तो इसका मतलब कि 16 न्यूक्लियोटाइड, 16 कॉम्बिनेशन या 16 कोडोन्स कैन नॉट एनकोड द 20 अमाइनो एसिड, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कोडोन्स है वो कम है, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स है वो ज्यादा है. तो अब हम बात करते हैं कि अगर तीन न्यूक्लियोटाइड या तीन न्यूक्लियोटाइड का एक पेयर या ग्रुप एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोडोन करता है, तो इस तरीके से अगर मैं डिफरेंट अगर तीन न्यूक्लियोटाइड लेकर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाऊं, तो हमें टोटल 64 कॉम्बिनेशंस मिलते हैं. 64 कॉम्बिनेशंस हमको मिलेंगे, और 64 कॉम्बिनेशन इजीली एनकोड द 20 अमाइनो एसिड्स. सो देयरफॉर ए ट्रिपलेट कोड रिक्वायरिंग 3 न्यूक्लियोटाइड्स पर कोडोन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एनकोड ऑल 20 अमाइनो एसिड. तो ये लास्ट, ये लगभग इस एनकोड की कितने न्यूक्लियोटाइड का एक कोडोन होता है, इसको इंश्योर करने में लगभग 10 साल का समय लगा. और इन 1961 फ्रैंकिस क्रिक ने ये बताया कि जेनेटिक कोड इज इंडीड ए ट्रिपलेट कोड. एक जो जेनेटिक कोड है या कोडोन है, एक कोडोन है वो तीन न्यूक्लियोटाइड से मिलकर. चलिए अब मैं बात करता हूं जेनेटिक कोड के डिफरेंट कैरेक्टर्स की. हम जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी बात करेंगे, जिनमें है डिजेनरेसी ऑफ द कोड या सिनोनिम्स, आइसो एक्सेप्टिंग ट्रांसफर आरएनए की हम बात करेंगे, वोवेल की हम बात करेंगे, इनिशिएशन कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन और यूनिवर्सलिटी ऑफ द कोड. इन डिफरेंट टॉपिक्स को हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि ये होते क्या है और ये कैसे एक कोडोन को स्पेसिफाई करते हैं. ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट. नाउ द डीजेनरेसी ऑफ कोड. लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि जो कोडोन है वो एक तीन न्यूक्लियोटाइड का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है और दीज ट्रिपलेट एंड कोड ए पर्टिकुलर अमाइनो एसिड. तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन थे, हमने कॉम्बिनेशन जो थे तो वो थे, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे इस तरीके से बने 64 कोडोन. 64 पॉसिबल कोडोन थे, जो टोटल पॉसिबल कोडोन थे 64 थे. 64 पॉसिबल कोडोन में से जो तीन कोडोन्स हैं, UAA, UAG और UGA, दीज आर कॉल्ड स्टॉप कोडोन्स. स्टॉप कोडोन्स क्यों कहा गया इनको, क्योंकि दीज स्पेसिफाई द एंड ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन मीन्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कि जो ये तीन कोडोन्स है, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो ये कोडोन है प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, पर्टिकुलर इवेंट पे. जो बाकी के कितने कोडोन्स बचे, 61 कोडोन्स. जो 61 कोडोन है, दीज आर कॉल्ड सेंस कोडोन. इनको सेंस कोडोन इसलिए कहा गया कि दीज 61 कोडोन्स एनकोड द 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड. ओके, तो ये है कोडोन. तो आपने यहां देखा कि नंबर ऑफ कोडोन्स हमारे पास है, टोटल सेंस कोडोन कितने हैं, 61, और हमारे पास जो कि प्रोटीन सॉरी अमाइनो एसिड्स कितने हैं, 20. तो इसका मतलब कि 20 अमाइनो एसिड के लिए बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर 61 कोडोन्स होते हैं, मतलब 21 कोडोन्स. तो इसका मतलब हमारे पास नंबर अमाइनो एसिड तो कम है और लेकिन नंबर ऑफ कोडोन्स है वो ज्यादा है. तो इसका मतलब ये होता है कि द कोड कंटेन मोर इंफॉर्मेशन देन इज नीडेड to specify the amino acid and is said to be degenerate code. ये degenerate जो शब्द है, ये क्रिक ने बोरो किया था क्वांटम फिजिक्स से. ओके, क्वांटम फिजिक्स के इसको इससे, और इसका मतलब होता है अगर हम फिजिक्स में बात करें तो दिस इज ए मल्टीपल फिजिकल स्टेट दैट हैव इक्विवेलेंट मीनिंग. डिफरेंट मल्टीपल फिजिकल स्टेट है जो कि जिनका सबका मीनिंग सिंपल होता है. तो जैसे आप यहां भी देख सकते हैं, इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि नंबर की जैसे एलेनिन है, एलेनिन को एनकोड कितने टाइप, चार एंड जो कोडोन्स है दे एनकोड, जैसे चार एनकोड है
GCU, GCC, GCA, GCG. All four codons encode only single amino acid alanine. Okay? इसी प्रकार आप ल्यूसिन को देख सकते हैं, CUU, CUC, CUA, CUG, all four codons encode only a single type of amino acid leucine. तो आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर मोस्ट ऑफ द जो अमाइनो एसिड है उनको दो या दो से ज्यादा कोडोन हो वो एनकोड करते हैं. ओके तो इसी को हमने बोला है डीजेनरेसी ऑफ द कोडोन. कि आप देखिए कि बहुत सारे कोडोन, मैंने बोला ना डीजेनरेसी मींस होता है कि एक पर्टिकुलर डिफरेंट फिजिकल, जैसे कि डिफरेंट फिजिकल स्टेट हैव द सेम मीनिंग, तो यहां डिफरेंट कोडोन्स हैव द सेम मीनिंग, सेम या यूं कहते कहते डिफरेंट कोडोन्स एनकोड द सेम अमाइनो एसिड, तो इट इज कॉल्ड डीजेनरेसी ऑफ द कोडोन. नाउ सिनोनिम्स, ये भी एक मिलता जुलता शब्द है, डीजेनरेसी मिलता है, इसका मतलब होता है, सिनोनिम्स का मतलब होता है कोडोन दैट स्पेसिफाई द सेम अमीनो एसिड आर सेट टू बी सिनोनिम्स. इसका मतलब है कि सिनोनिम्स का, जैसे आप इंग्लिश में भी आपने डिफरेंट डिफरेंट सिनोनिम्स के बारे में पढ़े, डिफरेंट सिनोनिम्स डिफरेंट इंग्लिश के मीनिंग्स होते हैं जिनका, डिफरेंट इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग सिर्फ एक ही होता है, तो इसी तरह के यहाँ सिनोनिम्स का मतलब कि डिफरेंट कोडोन्स एनकोड ओनली सिंगल टाइप ऑफ अमाइनो, इट इज कॉल्ड सिनोनिम्स. सो मोस्ट ऑफ द कोडोन्स आर सिनोनिम्स, मतलब मोस्ट ऑफ द कोडोन्स सिर्फ एक टाइप के अमाइनो एसिड्स को एनकोड करते हैं, इट इज कॉल्ड. ओनली ट्रिप्टोफैन एंड मिथियोनिन आर एनकोडेड बाई ए सिंगल कोडोन. हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन ही ऐसे अमाइनो एसिड है जिनको कि, जिनके लिए कि सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक ही कोडोन है. मोस्टली जो कोडोन्स हैं, मोस्टली अमीनो एसिड्स हैं, दे आर स्पेसिफाइड बाय टू कोडोन्स एंड ल्यूसिन आर स्पेसिफाइड सिक्स डिफरेंट कोडोन्स. तो दीज आर सिनोनिम्स. तो सिनोनिम्स का मतलब है सिंपल सा अर्थ है कि डिफरेंट कोडोन्स हैं जिनका की मीनिंग सिंपल है. डिफरेंट, जैसे डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग एक होता है, ऐसे ही डिफरेंट कोडोन्स हैं जिनका की एक ही, जो कि एक ही अमाइनो एसिड को एनकोड करते हैं. नाउ आइसो एक्सेप्टिंग ट्रांसफर आरएनए. इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द आइसो एक्स, व्हाट इज द आइसो एक्सेप्टिंग ट्रांसफर आरएनए एंड व्हाट इज द रोल ऑफ आइसो एक्सेप्टिंग ट्रांसफर आरएनए इन ए जेनेटिक कोडोन. ओके तो चलिए बात करते हैं, जैसा कि क्योंकि वी नो दैट थ्री डिफरेंट आरएनए प्रेजेंट इन ए सेल सिस्टम, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए. एंड ट्रांसफर आरएनए सर्व एज ए एडेप्टर मॉलिक्यूल. एडेप्टर मॉलिक्यूल मीन्स इट बाइंड्स विथ ए पर्टिकुलर एमिनो एसिड एंड डिलीवर देम टू ए राइबोसोम वेयर द एमिनो एसिड आर देन असेंबल्ड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन और ए प्रोटीन मॉलिक्यूल. एंड ईच टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनए अटैच टू ए सिंगल टाइप ऑफ अमीनो एसिड. एक पर्टिकुलर अमाइन ट्रांसफर आरएनए एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड से ही बाइंड होता है. ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रांसफर आरएनए किसी भी अमीनो एसिड से जाकर बाइंड हो जाए. नो, हर एक अमाइनो ट्रांसफर आरएनए वो स्पेसिफिक होता है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कैरी करने के लिए. तो द सेल्स ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनिज्म पजेस फ्रॉम अबाउट 30 to 15 ट्रांसफर. एक सेल के अंदर लगभग 30 to 50 डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए प्रेजेंट होते हैं. ओके तो अभी अब आप देखिएगा, हमारे पास नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कितने हैं, 20. नंबर ऑफ ट्रांसफर आरएनए उनको ले जाने के लिए, नंबर उनको कैरी करने के लिए कितने ट्रांसफर आरएनए, 30 to 50. और हमारे पास कोडोन कितने हैं, 61 कोडोन. तो आप देखिए तीनों का नंबर, 20 अमाइनो एसिड्स, 30 to 50 ट्रांसफर आरएनए एंड 61 कोडोन फॉर द अमाइनो एसिड्स. तो इट मीन्स सम अमाइनो एसिड्स आर कैरीड बाई मोर देन वन ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल. सो डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए दैट एक्सेप्ट द सेम अमाइनो एसिड व्हाट हैव डिफरेंट एंटीकोडोन आर कॉल्ड आइसो एक्सेप्टिंग ट्रांसफर आरएनए. एंड सम सिनोनिम्स कोडोन स्पेसिफाई डिफरेंट
आइसो एक्सेप्टर्स। ओके फाइन, समझ में आ गया। इसका मतलब है कि कोडोन हमारे पास 61 है, ट्रांसफर उनको एंड ट्रांसफर आ रहे हैं हमारे पास 30-50 टाइप्स के ट्रांसफर आ रहे हैं और हमारे पास 20। तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि एक अमाइनो एसिड को कैरी करने के लिए दो एक या एक से अधिक ट्रांसफर आरएनए बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। नाउ बॉवेल हाइपोथेसिस। इन 1966 क्रिक डेवलप्ड द बॉवेल हाइपोथेसिस विच प्रपोज दैट सम नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग ऑफ द बेसिस कुड टेक प्लेस एट द थर्ड पोजिशन ऑफ ए कोडोन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मैसेंजर आरएनए पर आपके कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं और ट्रांसफर आरएनए पे आपके एंटी कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो कोडोन और एंटी कोडोन के बीच में पेयरिंग होती है। ओके तो बॉवेल हाइपोथेसिस ये कहती है कि जो पेयरिंग होती है थर्ड पोजिशन पर, जो कोडोन एंटी कोडोन के बीच में जो पेयरिंग होती है, इट कैन बी नॉन स्टैंडर्ड। ओके चलिए, जैसा कि लास्ट स्लाइड में मैंने आपसे बात की थी, आपको हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ कोडोन्स आर 61 इन द बायोलॉजिकल सिस्टम एंड नंबर ऑफ ट्रांसफर आरएनए फॉर 61 कोडोन आर 30-50 ओनली। इट मींस डिफरेंट कोडोन्स कैन समटाइम्स पेयर विद द सेम एंटी कोडोन थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी इन बेस पेयरिंग एट द थर्ड पोजिशन ऑफ द कोडोन। ओके चलिए, अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने यहाँ एलेनिन है, एलेनिन इज एनकोडेड बाई 4 डिफरेंट कोडोन्स, GCU, GCC, GCA एंड GCG। जो मैंने ये कोडोन आपको दिखाए हैं, इट इज 5'-3' पोजिशन, 5' मतलब जी एंड 3' मतलब जैसे यू सी और वट एवर। ओके ऑल ऑफ विच बिगिंस विथ GC। आप देखेंगे चारों कोडोन्स हैं, उनके फर्स्ट टू न्यूक्लियोटाइड्स है, वो है ग्वानिनिन एंड साइटोसिन। When the codon on the messenger RNA and anticodon of the messenger RNA join, the first 5' base of the codon pair with the 3' base of the anticodon. जो first codon है messenger RNA का, जो कि 5' position पर situated होता है, it pair with the third nucleotide of the transfer RNA, which is situated at the 3' position. ओके तो जो इनके बीच में कोडोन और एंटी कोडोन, जो थर्ड पोजीशन पर कोडोन और एंटी कोडोन के बीच में जो पेयरिंग होती है, इट इज स्टैंडर्ड पेयरिंग स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द वॉटसन क्रिक रूल्स। ओके इट मींस ए बाइंड विद द यू एंड सी बाइंड विद द जी। ओके नेक्स्ट सेकंड कोडोन, द मिडिल बेसिस ऑफ द कोडोन आर एंटी कोडोन, मतलब टू जो सेकेंड पोजिशन पर कोडोन और सेकेंड पोजिशन पर ट्रांसफर आ रहे हैं कि सेकेंड पोजिशन पर जो एंटी कोडोन है उनके बीच में जो पेयरिंग है, इट आल्सो स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द वॉटसन एंड क्विक रूल। ओके कि ये भी सेकेंड जो पोजिशन पर है, ये भी आपका वॉटसन क्विक के रूल को फॉलो करेगी। लेकिन थर्ड पोजिशन पर जो आप देखेंगे कि थर्ड पोजिशन ऑल, क्योंकि ऑल दीज पेयर्स हैव हाइड्रोजन बॉन्डेज, फर्स्ट एंटीकोडोन कोडोन के बीच में पेयरिंग है, सेकंड कोडोन एंटीकोडोन के बीच में पेयरिंग है, इट इज स्टैंडर्ड और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। एट द थर्ड बेस, क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन गए, तो एट द थर्ड बेसिस पेयर वीकली, जो थर्ड पेयर है ये इनमें के बीच में जो पेयरिंग होती है वो वीक होती है, और देयर मे बी फ्लैक्सीबल, इट कैन बी फ्लैक्सीबल और बॉबेल, इसी को हम बॉबेल बोलते हैं, इट इज बॉबेल इन द पेयरिंग। तो जैसे थर्ड पेयर पर, जैसे मैंने लिया यहां पर एक एग्जाम्पल लिया एक मैसेंजर आर एन ए है जिस पर की कोडोन है CGCG, तो जी पेयर विद द, जो जी पेयर विद द या ग्वानिन पेयर विद द साइटोसिन एट द एंटी कोडोन, साइटोसिन पेयर विद द ग्वानिन एट द सेकेंड पोजिशन, बट थर्ड पोजिशन पर जो कि थर्ड पोजिशन पर कोडोन के पर है ग्वानिन, ग्वानिन पेयर विद द
guanine should pair with the cytosine. ओके ग्वानिन का अगर हम वॉटसन क्रिक रूल से देखें तो थर्ड पोजीशन पर जो ग्वानिन है इट शुड बी पेयर विद द साइटोसिन बट इट शो फ्लेक्सिबिलिटी. ओके स्लो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है और इट कैन पेयर विद द इट कैन पेयर विद द ए सॉरी एडिनिन और साइटोसिन. ये एडिनिन से भी जुड़ सकता है और ये साइटोसिन से भी जुड़ सकता है. इट शो पेयर. ओके तो इस तरीके से वो डिफरेंट पेयरिंग शो करते हैं और ये डिफरेंट जो नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग है इस वजह से ये क्यों होती है ये नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग क्योंकि ऑलरेडी दो बॉन्ड्स है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर जो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑलरेडी स्टैंडर्ड पेयरिंग हुई है उनके बीच में तो थर्ड पोजीशन पर एक चांस होता है एक अपॉर्चुनिटी होती है कि इट कैन पेयर विथ अनस्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड. ओके तो ये तो इसका क्या फायदा है जो जो नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग है इसका फायदा क्या है या जो बॉवेल है इसको भी हम बॉवेल बोलते हैं तो इस बॉवेल का क्या फायदा है. इट द बॉवेल अलाउ सम ट्रांसफर आर एन ए टू द पेयर विथ मोर देन वन कोडोन ऑन एन मैसेंजर आर एन ए. ओके तो ये अलाउ करता है कि जो कोडोन है एक जो ट्रांसफर आरएनए पर जो आरएनए है वो एक या एक से ज्यादा कोडोन से पेयर हो सकता है बॉवेल के थ्रू. ओके तो क्योंकि हम 30 से 50 ट्रांसफर आरएनए कैन पेयर विद द 61 सेंस कोडोन और सम कोडोन आर सिनोनिम्स थ्रू द बॉवेल जो हमने अभी बात करी थी लास्ट स्लाइड्स के अंदर सिनोनिम्स की. तो ये सिनोनिम्स क्यों होते हैं ये सिनोनिम्स क्यों क्रिएट होते हैं ये सिनोनिम्स इसी बॉविल की वजह से. इनिशिएशन कोडोन. इनिशिएशन कोडोन क्या होता है. इनिशिएशन कोडोन इज द फर्स्ट कोडोन ऑफ द मैसेंजर आरएनए टू स्पेसिफाई एन अमीनो एसिड. जो आपका मैसेंजर आरएनए जो कि एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन की तरह काम करता है एक जीन की तरह काम करता है उसका जो फर्स्ट जो आपका तीन न्यूक्लियोटाइड का जो ग्रुप है जो कि एक कोडोन की तरह काम करता है इट इज कॉल्ड इनिशिएशन कोडोन जो कि एक स्पेसिफाई अमीनो एसिड को एनकोड करता है. द इनिशिएशन कोड इज यूजुअली ए यू जी. जो ए यू जी जनरली मोस्ट ऑफ द लिविंग सिस्टम के अंदर जो इनिशिएशन कोड होता है वो होता है ए यू जी. ओके जीन का जो फर्स्ट थ्री ट्रिपलेट होता है वो होता है ए यू जी जो कि इनिशिएशन कोडोन की तरह काम करता है. कुछ में ये जी यू जी यू यू जी भी हो सकता है इन द रेयर ओकेजन. ओके इन बैक्टीरियल सेल्स ए यू जी एनकोड द मॉडिफाइड टाइप ऑफ द मिथियोनिन. ओके बैक्टीरियल सिस्टम की अगर जो कि प्रोकैरियोटिक सिस्टम है प्रोकैरियोटिक सिस्टम में जो ए यू जी जो कि इनिशिएशन कोडोन है ये इट एनकोड्स द मॉडिफाइड टाइप ऑफ द मिथियोनिन विच इज कॉल्ड एन फॉर्मल मिथियोनिन. ओके All proteins in the bacteria initially begins with this amino acid, but the formal जो group जो modified हुआ ये group the formal group may be removed after the protein has been synthesized. एक बार जब protein synthesized जाता तो जो post translation modification process होती है उस duration में इस modified जो methionine है इसको remove कर दिया जाता है. okay ये तो जब AUG जब when the codon AUG is at an internal position in a gene it encodes unformylated methionine. जब यही AUG codon जब initiation codon की तरह काम करता है तो ये formal methionine को encode करता है. लेकिन जब यही AUG codon जब internal part in gene के जो internal जो sequence है उसमें अगर present होता है तो उस कंडीशन में ये सिर्फ और सिर्फ मिथियोनिन को ही एनकोड करता है ना कि एनफॉर्मिल मिथियोनिन को. एनफॉर्मिल मिथियोनिन को ये सिर्फ इनिशिएशन कोडोन के फॉर्म में ही एनकोड करता है. ओके इन आर्चियल और यूकैरियोटिक सेल एजूजी स्पेसिफाई अनफॉर्मिलेटेड मिथियोनिन बोथ एट द इनिशिएशन पोजिशन एट द इंटरनल पोजिशन. लेकिन अगर यूकैरियोटिक सिस्टम की बात करें या एक आर्चियल सिस्टम की बात करें तो AUG चाहे इनिशिएशन कोडोन के फॉर्म में हो चाहे इंटरनल कोडोन के फॉर्म में हो इट एनकोड ऑलवेज मिथियोनिन नॉट
formyl methionine and formyl methionine. Okay, fine. Now termination codon. Termination codon already हम discuss कर चुके हैं कि total number of codons, nodal number of codons या हम total number of possible codons are 64, जिसमें से कि तीन codons होते हैं UAA, UAG and UGA. These are the stop codons or termination codons or nonsense codon. आप जैसा जो चाहे stop codon भी कह सकते हैं, termination codon भी कह सकते हैं, nonsense codon भी. इनको nonsense या termination codon या stop codon क्यों कहा जाता है? कि they do not encode amino acid. कि ये जो sequence है, ये तीन जो triplet है nucleotide का, these are unable to encode any type of amino acids. These codons signal, ये as a signals की तरह काम करते हैं. That end of the protein in both bacterial and eukaryotic cell, okay? एक तरह signals system को signal, जब protein during the protein synthesis they pass the as a signal कि अब ये as a signal की तरह use होते हैं कि अब protein synthesis को stop करना है, तो ये stop codon ये protein synthesis को एक particular event पर halt करते हैं, इसलिए इनको termination codon भी बोला जाता है, okay? No transfer RNA molecule have anticodon that pair with the termination. कोई भी biological system में ऐसा कोई भी transfer RNA नहीं होता जो कि anticodon के साथ pair करता है. Now the universality of the code. What is meaning of universality? Universality meaning means a particular codon encode a particular amino acid in every type of biological system. कि एक particular codon है, वो एक particular amino acid को encode करता है, चाहे वो biological system prokaryotic हो, eukaryotic हो, animal system हो, bacterial system हो, plant system हो, archaeal system हो, एक particular codon encode a particular amino acid in every type of biological system. But genetic code is almost but not completely universal. A few exceptions have been found. ऐसा नहीं है कि सभी एक particular codon सभी biological system के अंदर एक ही amino acid को encode करता है. इसके कुछ इस universality के कुछ exception भी देखे गए हैं. और most exceptions are found in the mitochondrial gene. A few non-universal codon has also been detected in nuclear genes of protozoans and in bacterial DNA. यहाँ एक example के through मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे mitochondrial DNA है human system के अंदर, जिसमें UGA एक stop codon की तरह काम करता है. लेकिन जब यही in the nuclear DNA, okay? Nuclear DNA के अंदर UGA है, वो एक stop codon की तरह काम करता है. लेकिन जब यही UGA कोडोन जब माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए में प्रेजेंट होता है, तो वहां ये ट्रिप्टोफेन को एनकोड करता है, ओके? सेकंड, जैसे ह्यूमन सिस्टम के जो न्यूक्लियर डीएनए है उसके अंदर AUA एनकोड द आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड, बट इन माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए इट एनकोड द मिथियोनिन. AGA और AGG both codon encodes the arginine in the nucleus DNA, but these nucleotide sequence or these codons does not encode any amino acid in the mitochondria. They act as the stop codon. So we can say genetic code is almost but not completely universal. Okay, fine. Now we will discuss characteristics of the genetic code. We have already discussed major points of the genetic code. One by one I will discuss these points. The genetic code consists of a sequence of nucleotide in DNA or RNA. There are four letters in the code corresponding to the four bases A, G, C, U and thymine in the DNA. Okay.
And the genetic code is triplet code. Each amino acid is encoded by a sequence of three consecutive nucleotide codon. I already discussed. The genetic code is degenerated. Already degenerated meaning means already high abrodisky is total codon is 64 means 61 codons encode that only 20 amino acid in protein. Three are the terminations codon and say other 61 codon is the sense codon. Some codons are synonyms. Synonyms means I have already discussed. Synonym means the different words have the same meaning. Isi tarike se different codons have the codons encode the same amino acid specific. Okay. Isoacceptin transfer RNA already discussed. The code is generally non-overlapping. Non-overlapping means ki though different codon does not overlap. Though different codon ki sequence hai, they do not overlap each other. Okay, each codon specify for a particular amino acid, don't overlap. But in parallel viral system, genes are overlapped. Okay, so different codons are overlapped in the barcode because of the very limited space or genome hota hai wo bhi bahut chota hota hai viral system ka isliye wahan kya hota hai ki different codons hai wo overlap karte hain aur different reading frames ke through unko encode kiya jata hai. Okay, next the reading frame is set by an initiation codon which is usually AUG. When a reading frame has been set, codon are read as successive group of the three codons. Okay, any one of the three termination code UA, UAG, UG can signal the end of a protein. No amino acids are needed by the termination codon and the code is almost universal. These are the characteristics of a genetic code. Now genetic code topic is over. Okay, thank you very much. Bye.